हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ट्रिपल एन स्पोर्ट्स सेंटर। मैं हूं सुरम्या कौशिक और आज हम बात करेंगे अली खान के बारे में। अली खान जो बहुत ही फेमस हो गए हैं अब, क्योंकि जब से उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अपनी टीम में शामिल किया है, तब से सभी लोगों को इंतजार है कि कब हमें इस खिलाड़ी को देखने का मौका मिलेगा। सबसे पहले अली खान के बारे में मैं बता दूं, अली खान ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया था सीपीएल में इस साल। 8 मैचेस में 8 विकेट्स लिए और वो सीपीएल में बहुत शानदार परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं 2018 से ही। सबसे पहले बात करते हैं अली खान की। अली खान इस साल आईपीएल के डेब्यूटेंट है, वो यूएसए से आते हैं और वो यूएसए से आने वाले पहले खिलाड़ी हैं जो आईपीएल में हिस्सा ले रहे हैं, तो ये बात बहुत ही स्पेशल बना देती है उनको और सभी फैंस को। जितने भी कोलकाता नाइट राइडर्स के सपोर्टर्स हैं, जितने भी लोगों को क्रिकेट पसंद है, सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब हमें अली खान देखने को मिलेंगे। पर हाल ही में अली खान के ऊपर चर्चा हो रही है कि वो आईपीएल से बाहर कर दिए गए हैं। बहुत सारी न्यूज रिपोर्ट्स ने बताया कि अली खान हैज बीन रूल्ड आउट ऑफ आईपीएल 2020, इंजरी की वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया है। पर मैं आपको बता दूं, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, ना ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने ऐसा कुछ कहा है और ना ही जो क्रेडिबल सोर्सेज होते हैं उन्होंने कुछ कहा है। अगर बात मानी जाए क्रेडिबल सोर्सेज की, तो अली खान को बेशक इंजरी हुई है, अली खान इंजरी में है और उनकी सीपीएल से ही जो इंजरी थी वो तब से ही कंटिन्यू हो रही है और उन्हें रिकवरी मोड में रखा गया है, रिहैब दिया जा रहा है उनको। और पर ये बात अभी तक सामने नहीं आई है कि उन्हें बाहर कर दिया है आईपीएल से। ये बात तो पक्की है कि उन्हें इंजरी हुई है, इसीलिए उन्हें मैचेस में लिया नहीं जा रहा है। जितने भी फैंस हैं, जितने भी लोग वेट कर रहे हैं, उन सबके लिए न्यूज़ है कि उनको इंजरी है, इसी वजह से वो आ नहीं रहे हैं मैचेस में। पर हाँ, ये बाहर हो गए हैं अली खान, ये अभी तक बात पक्की नहीं हुई है। अली खान के बारे में जो ये चर्चा चल रही है कि अली खान बाहर हो जाएंगे तो कोलकाता नाइट राइडर्स क्या करेगा, इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सोचना कि अगर अली खान बाहर हो जाते हैं तो कोलकाता नाइट राइडर्स किस खिलाड़ी को वापस ले सकता है, यानी कि जो खिलाड़ी या तो सिलेक्ट नहीं हुए हैं उनमें से कौन से खिलाड़ी हमें आईपीएल में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टिम साउदी की। टिम साउदी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, बहुत शानदार बॉलर है और डेथ बॉलिंग के स्पेशलिस्ट है। कोलकाता नाइट राइडर्स जो हमेशा न्यूज में रहती है अपनी खराब डेथ बॉलिंग के चलते, कि डेथ बॉलर्स नहीं है कोलकाता नाइट राइडर्स के पास जिसकी वजह से वो मैचेस नहीं जीत पाते हैं, तो अगर अली खान बाहर होते हैं अपनी चोट की वजह से तो कोलकाता नाइट राइडर्स टिम साउदी को ला सकती है। काफी शानदार खिलाड़ी है वो, काफी एक्सपीरियंस भी है उन्हें, तो वो उनको ला सकती है। इससे पहले उन्होंने काफी शानदार परफॉर्मेंस भी किया है आईपीएल में आरसीबी और मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से, तो टिम साउदी एक नाम हो सकते हैं अगर खान बाहर होते हैं तो। दूसरा नाम आता है मुस्तफिजुर रहमान, जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर है। उनको इस आईपीएल में लिया जा रहा था पहले, जब अली खान पिक्चर में नहीं थे तब यही डिस्कशन हो रहा था कि हैरी गर्नी, जो जिनको शोल्डर इंजरी हो गई, जिनकी जगह पर अली खान आए हैं, उससे पहले ये बात हो रही थी कि हैरी गर्नी की जगह मुस्तफिजुर रहमान आ सकते हैं, पर मुस्तफिजुर रहमान को मना कर दिया गया अफगानिस्तान की तरफ से, क्योंकि उनको एक टूर पे जाना था, श्रीलंका का टूर था उनका क्रिकेट का, और उन्हें मना कर दिया गया। पर अब वो टूर भी पोस्टपोन हो गया है तो वो फ्री हैं, वो आ सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। और वो भी बहुत शानदार खिलाड़ी है, उन्होंने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में और मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से, तो वो कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में आ सकते हैं अगर अली खान बाहर होते हैं तो। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है इस बात की कि अली खान बाहर हो गए हैं। अली खान अभी भी आईपीएल 2020 में है और वो अपने रिकवरी मोड में है जो उनकी चोट हुए। अगर वो चोट ठीक नहीं होती है, उन्हें बाहर कर दिया जाता है, अगर वो रूल आउट होते हैं बाहर आईपीएल से, तो पॉसिबिलिटी है कि हम टिम साउदी या फिर मुस्तफिजुर रहमान को देख सकते हैं। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ट्रिपल एन स्पोर्ट्स सेंटर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड सपोर्ट योर फेवरेट आईपीएल टीम एंड चीयर अप एंड देन स्टे ट्यून्ड टू ट्रिपल एन स्पोर्ट्स सेंटर।